हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं पटना मेट्रो का लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज जो दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का जो है पिलर का स्टील वर्क हो रहा है, और इसमें फ्रेंड जो आप दिख रहा है वो काले रंग का जो है, ब्लैक कलर का जो है पाइप जो दिख रहा है पीवीसी, ये किस काम में आता है और ये जो लेबर क्यों इसको लगा रहे हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो ये पटना मेट्रो का जो है पिलर का है, स्टेशन पिलर का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का जो है ये स्टेशन का पिलर बन रहा है, और ये क्यों इसमें काला जो है काला पाइप को लगाया जा रहा है मजदूरों के द्वारा, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो है मजदूर जो है लेबर्स जो हैं लगा रहे हैं उस पाइप को। तो इसी विषय पर आज जानेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों इस पाइप को लगाने का क्या मतलब है और इस पाइप को लगाने से क्या फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का ये स्टेशन का पिलर है, और ये पाइप इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स, ये जो रेनफोर्समेंट का काम जो हो रहा है फ्रेंड्स, स्टील वर्क जो हो रहा है, और ये पाइप इसलिए लगाया जाता है कि जो भी बरसात की पानी हो, जो बरसात में पानी हो, प्लेटफॉर्म जो बनेगा ऊपर में, रेलवे जो मेट्रो का ट्रैक बनेगा जिस पर मेट्रो चलेगी फ्रेंड्स, और ऊपर में जो स्टेशन बनेंगे, तो उसका जो बरसात की पानी या टॉयलेट की पानी, जो भी पानी होगा, वेस्टेज पानी जो होगा, तो उस पानी को जो है नाली के द्वारे ये ज़मीन में यहाँ नीचे गिराया जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का जो भी टेक्निकल चीज़ है, सारे जो डिज़ाइन हुआ है, एक एक चीज़ को फ्रेंड्स बारीकी से आंका गया है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये पिलर के अंदर जो है इस पाइप को लगाया जा रहा है। ये पाइप एक साधारण सी भाषा में समझ लीजिए कि ये जो पाइप है एक नली का काम करेगी। इस पाइप में जितने भी प्लेटफॉर्म पर या जो भी बरसात की पानी हो, ट्रैक पर पानी जो जमे नहीं, तो ये पानी ट्रैक पर जमे नहीं, इसलिए इसको पाइप के द्वारा नीचे लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अवश्य ही यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं पटना मेट्रो से रिलेटेड अपडेट लेकर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में पटना मेट्रो को नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.